नमस्ते दोस्तों, हेलो गाइस, मैं मोहन मोबाइल स्पेयर नागपुर से आपके लिए और एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे टच मल्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक मैं मल्टीमीटर लेकर आया हूँ, सनशाइन का टच मल्टीमीटर। अब टच मल्टीमीटर जो है, इतना आपको ऐसा कुछ फीचर्स दिखाना चाहूंगा, ये जैसे AI कैसे होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस इसी टाइप का ये मल्टीमीटर है टेक्नीशियंस को यूज करने के लिए, जो काफी रिलायबल है यूज करते समय। मैं आपको इसे फीचर्स को दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं आप कि इसमें काफी फीचर्स दिए हुए, जैसे ये टच के बटन, यहाँ पे बटन दी हुई है, लाइक पावर, ये होल्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस, लाइट का एक की दिया हुआ है, या फिर लाइफ NCV। आपको सारे फीचर्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें काफी अच्छी जो वायर्स है वो स्ट्रेंथफुल वायर्स है। देखिए, देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो निडल्स है, पॉइंटेड निडल्स है, मतलब किसी भी आप बारीक जगह पे इसको रख के वो पर्टिकुलर जो आपका कंपोनेंट है उसकी वैल्यूज आप जो है रीड कर सकते हैं। और इसके साथ में ये जो बॉक्स है, इसके साथ में कुछ एसेसरीज जो आई है इसके साथ में, लाइक जैसे देख सकते हैं आपकी एक ये टाई आई हुई है, तो ये टाई जो है इसको हम इसमें नॉट करते ऐसे, और इसको कहीं भी अपन हैंग कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जगह नहीं होती है, तो हम ऐसे इसको हैंग करके इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप मैंने इसे कैसे हैंग किया, और मैं नीचे इसको कैसे किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप ऐसे। और एक और खास बात मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, इसके जो डिजिट्स है, अभी मैंने इसकी लाइट फिलहाल ऑफ करके रखी हुई, जो डिस्प्ले की लाइट है ऑफ करके रखी है, इसके डिजिट में रेडियम एनर्जी आती है। रेडियम एनर्जी मीन्स क्या होता है ना, कि जो जो डिजिट्स है ये अगर आप ऐसे भी रखते हैं इसे, या फिर नॉर्मली किसी भी लाइट कम इंटेंसिटी के लाइट में अगर रखते हैं, तो ये डिजिट्स क्लियरली आपको विजिबल रहेंगे काम करते समय। तो काफी बार क्या होता है ना, स्क्रीन की लाइट ऑन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कि स्क्रीन की जब लाइट ऑन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन की लाइट ऑन हो चुकी है, और ये अभी सॉरी ऑफ हो चुकी है, अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, ये भी ऑन हो चुकी है। तो इसका काफी एक विनिंग फीचर है कि ये जो लाइट्स है, ये रेडियमाइज लाइट्स है इसके अंदर में। अभी आपको मैं इसकी फीचर आपको बताना चाहूंगा, जैसे इसके अंदर में एक ऑटो ऑटो मोड एक ऑप्शन आता है, देख सकते हैं ये ऑटो मोड का जो ऑप्शन है, ये इसका बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी काफी बार क्या होता है कि मल्टीमीटर में काफी सारी अपनी रीडिंग्स अपने को लेनी होती है, लाइक रेजिस्टेंस लेनी होती है, कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटेंस लेनी होती है, डीसी वोल्टेज लेना होता है, एसी वोल्टेज लेना होता है, डायोड वैल्यू लेनी होती है, या कंटिन्यूटी मोड चेक करना होता है। तो जिस जो भी वैल्यू अपन चेक करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक सेंस करके उसका बिहेवियर नोट करके उसकी रीडिंग यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने जो है कंटिन्यूटी मोड पे जब कर रहा हूँ इसे, तो ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी मोड पे चला गया। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कंटिन्यूटी मोड आ रहा है, बजर भी इसका बीप हो रहा है। अब जैसे मैं एक पर्टिकुलर मदरबोर्ड है अपना पीसीबी है फोन की, अब मैं इसी कोई कंपोनेंट की वैल्यू अगर चेक करना चाहूंगा, लाइक जैसे मैं अभी एक रेजिस्टेंस वैल्यू इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, सपोज देख सकते हैं आप मैं इस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं आप ये कितना दिखा रहा है, 2.74 K ohms, देख सकते हैं आप ये वैल्यू दिखा रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है इसकी। सेम इसी तरीके से हम इसी कैपेसिटेंस वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप मैं कैपेसिटर पर रख रहा हूँ, तो कैपेसिटेंस वैल्यू भी आपको शो करेगा, देख सकते हैं दोस्तों आप। और इसी तरह डायोड की जो वैल्यू है, डायोड की भी कुछ वैल्यू आती है परफेक्ट पर्टिकुलर, वो भी अपन वैल्यू इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसमें कंटिन्यूटी मोड आएगा, ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी मोड है, इस वजह से बीप करेगा ये। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इस मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या होता है ना, काफी बार टेक्नीशियन जब यूज करते हैं, तो यूज करते समय काफी बार वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नॉब को सेट करना या फिर बटन को क्लिक करना, तो ये ऑटो मोड का एक काफी अच्छा विनिंग फीचर है। इसके अलावा मैं इस जो मल्टीमीटर है, इसके आपको एक और फीचर में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव NCV का एक लिखा हुआ है, लाइव NCV। तो ये लाइव NCV एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो लाइव वायर्स वगैरह जो होती है, तो इसमें कंटिन्यूटी आती है, तो इसको जब हम उस पर्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं तो वो बीप करना शुरू करता है। अब मैं इसे लाइव मोड पे सेट करता हूँ, देखिए टच से मैंने इसे अभी सेट कर दिया यहाँ पे लाइव मोड पे। अब जैसे ये वायर है, देख सकते हैं आप ये जो हमारी बोर्ड है, इसको ये वायर आई आगे से, मैं इसके पास जब लेकर आ रहा हूँ तो ये बीप करना शुरू करेगा, मीन्स कंटिन्यूटी है इसके अंदर में। ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पे कंटिन्यूटी, देख सकते हैं कैसे ये बीप कर रहा है, देखिए वायर के पास आते से। या फिर चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ कि ये जो सीलिंग है, अभी देखिए कुछ बीप नहीं कर रहा है, ये जो हमारी ये है मेन लाइन की जो कंटिन्यूटी, देखिए यहाँ पे भी ये बीप कर रहा है, देखिए देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी इसकी वजह से बीप कर रहा है, तो ये एक इसका बहुत विनिंग फीचर है कि लाइव वायर जो रहते हैं तो वहां पे अपने को चेक अगर करना है, तो ये चीज इसमें काफी फायदेमंद रहेगी। और यहाँ पे जो है हमारा एक ही स्विच में आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप इसको अगर एक बार टैप करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि आप
बीप बजर मोड, सॉरी वोल्टेज मोड है आपका, डीसी डीसी वोल्ट है। उसके बाद में अगर एक बार क्लिक कर तो एसी वोल्टेज आपका आ गया है यहाँ पे, अगर मैनुअल यूज करना चाहते हैं आप तो। और उसके बाद में अगर फिर से एक और बार में क्लिक कर तो देखिए आप यहाँ पे आ गया बीप बजर मोड, देख सकते हैं इसके मोड चेंज हो सकते हैं अगर मैनुअली आप यूज करना चाहते हैं। और ऑटो भी यूज करना चाहते हैं तो ऑटो के लिए यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज जो है उनको होल्ड करके अगर रखना है आपको तो यहाँ पे होल्ड भी करके रख सकते हैं आप इस बटन के फीचर से, इस तरीके से। तो अभी इस मल्टीमीटर की जो खास बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो है इसका ऑटो फीचर जो है, जो मैंने आपको बताया अभी कि आप जिस जो भी आप वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर नोट करके, जैसे आप कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का बिहेवियर नोट करके कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको शो करेगा। तो उसी तरीके से जैसे मार्केट के जो मीटर्स है, अब क्या होता है हमें डीसी वोल्ट अगर कैलकुलेट करना है तो नॉब को डीसी पे ले जाना होता है, जैसे डीसी पे मैं लेकर गया, अगर एसी पे करना है तो फिर एसी पे लेके आना होता है, बीप बजर मोड पे ले जाना तो बीप बजर मोड पे। बट अगर इसे मैं ऑटो मोड पे करता हूँ और ऑटो मोड पे करने के बाद अगर मैं इसे यूज करना चाहूँगा तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका विनिंग फीचर, कि वो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यू शो करेगा। जैसे मैं अभी इसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी मोड यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। और वैसे ही सेम अगर मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैपेसिटर का अगर वैल्यू लेना चाहूंगा या फिर रेजिस्टर का, देखिए मैं अभी रेजिस्टर की वैल्यू लेता हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा, उसके रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि 41.46 समथिंग इसकी वैल्यू जो आ रही है वो तो आपको शो करेगा। तो ये इसे एक विनिंग फीचर है इस मल्टीमीटर का। ये जो प्रोडक्ट है आपको हमारे स्टोर पे मोबाइल स्पेस नागपुर पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9822560837 पे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको नए नए प्रोडक्ट्स का अपडेट देते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों।